प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। देखिए, आज अपन बात करेंगे, ये देखेंगे महाद्वीप, महाद्वीपों के संदर्भ में बात करेंगे। महाद्वीपों में देखेंगे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम देख रहे हैं अपन, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब अपन एशिया महाद्वीप की प्रमुख बातें जो हैं, जो आपके आर्मी लेवल की हैं, उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, एशिया है, इसका उपनाम महाद्वीपों का महाद्वीप, विश्व के मानव का घर। यहाँ पर जो पर्वत है सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, विश्व का भी है ये। मरुस्थल देखिए, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य संचालित है और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये मरुस्थल है और सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी है। इसके बाद में अपन बात करें गोबी, गोबी का मरुस्थल है, ये मंगोलिया में है, न्यून जन घनत्व के लिए यह है जाना जाता है। मित्रों देखिए, यह है न्यून जन घनत्व के लिए जाना जाता है और ये सर्वाधिक आबादी के लिए जाना जाता है। तकला मकान है मित्रों, ये आपका चीन के अंदर है। घास का मैदान यहाँ पर जो है ये है स्टेपीज घास का मैदान है कजाकिस्तान, ऐसे रोटी की डलिया या टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें एशिया है, एशिया का सबसे गर्म स्थान है मित्रों आपका, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है ये है जेको का बाद पाकिस्तान में है और प्लस 53 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका गर्मी रहती है। इसके बाद में अपन बात करें विश्व का सबसे गर्म स्थान है ये है अल अजीजिया, लीबिया दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है ये है बर्खोयांस, रूस के अंदर है, बर्खोयांस रूस के अंदर। इसके बाद में अपन बात करें एशिया महाद्वीप में 50 देश है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन और सबसे छोटा है मालदीव। तो ये महत्वपूर्ण बातें होगी एशिया महाद्वीप के बारे में। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बातें करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आगे देखिए मित्रों। अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के उपनामों में देखें तो दूसरा बड़ा है काला महाद्वीप, इसे कहा जाता है अंध महाद्वीप, इसे कहा जाता है सबसे बाद में इसकी खोज हुई। यहाँ पर पर्वत देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो तंजानिया में है। मरुस्थल देखें, यहाँ पर सारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, 16 देशों की सीमा लगती है इससे। कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर बोत्सवाना में है। सबसे लंबी नदी नील, इससे पहले अपने एशिया की बात करी तो एशिया की सबसे लंबी नदी थी मित्रों यांग्त्सी क्यांग जो चीन में है। अब यहाँ पर घास के मैदान देखे अपन, एक तो सवाना है और दूसरा वेल्ड है। और अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 55, सबसे बड़ा देश उत्तरी सूडान, सबसे छोटा देश सेशेल्स। इसके बाद में अपना जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका, देखे 1492 में इसकी खोज है कोलंबस द्वारा की गई और इनका जो नामकरण है यह है अमेरिको वेस्पुकी, नाविक के नाम पर पड़ा अमेरिका का। यहाँ पर जो पर्वत है सबसे ऊंचा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मिकिनले अलास्का में है। एक यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रेणी भी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी और घास का मैदान यहाँ पर प्रेरीज है, कनाडा यूएसए में है। इसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। देशों की संख्या यहाँ पर कुल 23 है, सबसे बड़ा कनाडा, सबसे छोटा है संत किट्स एंड नेटिव। इसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका हो गया अपना, उत्तरी अमेरिका के बाद में अपन बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। देखिए मित्रों, अब अपन बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। यहाँ का सबसे ऊंचा जो पर्वत है मित्रों ये है आपका एकांकागुआ और उसके बाद में एडिस पर्वतमाला है। यह एडिस पर्वतमाला है यह हिमालय के बाद सबसे तो ऊंची है और विश्व में सबसे लंबी है। दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है अमेजन। यहाँ पर जो मरुस्थल है मित्रों आटाकामा चिली में है और इस आटाकामा मरुस्थल में बरसात नहीं होती है। पेंटागोनिया है, ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पर घास के मैदान देखें तो पंपास है अर्जेंटीना में, कंपास है ब्राजील में और कुल देश है यहाँ पर 19, सबसे बड़ा है ब्राजील, सबसे छोटा है फॉकलैंड।
अब पांचवे नंबर पे अपन बात करें तो अंटार्कटिका है, उपनाम है, जनशून्य, श्वेत, विज्ञान को समर्पित, भारत में यहाँ पर अध्ययन केंद्र लगा रखे हैं, गंगोत्री, मैत्री और भारती, यहाँ पर घास है, लाइकेन और मार्स, और यहाँ पर एकमात्र जीव है पेंगुइन, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की चादर है और बर्फ में रहना इम्पोसिबल इम्पोसिबल बात होती है, साहब रह नहीं पाते क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यहाँ का है -95 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ का टेम्परेचर है। वेस्टॉक, वेस्टॉक नामक शहर है या नगर है, नगर शहर तो नहीं बोल सकते, एक स्थान है अंटार्कटिका महाद्वीप में वेस्टॉक, यहाँ का जो तापमान मापा गया है -95 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, और निर्जन है, बर्फ ही बर्फ है, इसलिए जनशून्य कहा जाता है इसको। लेकिन विश्व के प्रमुख अध्ययन केंद्र यहाँ पर लगे हुए हैं, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, और भारत ने भी अपने अध्ययन केंद्र स्थापित कर रखे हैं यहाँ पर, जो गंगोत्री, मैत्री और भारती के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। इसके बाद में अपन बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। देखिए मित्रों, यूरोप की बात करेंगे अपन, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में देखें तो इसके उपनाम देखोगे आधुनिक सभ्यता का केंद्र, प्रायद्वीप में वाला महाद्वीप, पर्वत देखिए सबसे ऊंचा अल्बुस पर्वत है रूस में, यूराल पर्वत यहाँ पर है फ्रांस और इटली में, आल्पस पर्वत है फ्रांस में, नदी देखिए सबसे लंबी नदी वोल्गा, घास के मैदान देखिए स्टेप यूक्रेन में है, विश्व का अन्नागार कहा जाता है मित्रों इसे। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए कुल देश यहाँ पर है 50, सबसे बड़ा है रूस और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। अच्छा मित्रों, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे छोटा महाद्वीप है साहब, सबसे छोटा महाद्वीप है ये, और इसकी खोज है 1770 में जेम्स कुक के द्वारा हुई, उपनाम इसके द्वीपीय महाद्वीप और प्यासी भूमि का महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप पास प्यासी भूमि का महाद्वीप। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट क्यूस्यूस को, ये दो नंबर पे लिखा गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट क्यूस्यूस को, और यहाँ पर दूसरा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ की सबसे लंबी नदी डार्लिंग, यहाँ के मरुस्थल है सेंडी, और दूसरा है ग्रेट विक्टोरियन। अच्छा मित्रों, देशों के संदर्भ में अपन बात करें तो देश है कुल यहाँ पर 22, देशों के संदर्भ में अपन बात करें तो कुल देश यहाँ पर 22 है। इसके बाद में देखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा है नोरू, बड़ा तो स्वयं ऑस्ट्रेलिया है और छोटा है ये है नोरू। अच्छा एक बार दोबारा देखिए, अपन बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की, उपनाम देखोगे आधुनिक सभ्यता का केंद्र, प्रायद्वीप वाला महाद्वीप, पर्वत देखिए अल्बुस सबसे ऊंचा है, यूराल पर्वत फ्रांस में, आल्पस पर्वत फ्रांस में, सबसे लंबी नदी वोल्गा, घास के मैदान स्टेपी यूक्रेन में है, विश्व का अन्नागार कहते हैं, कुल देश 50, सबसे बड़ा रूस, सबसे छोटा वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी जो देश है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सबसे छोटा महाद्वीप, इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक के द्वारा हुई, उपनाम है द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट क्यूस्यूस को है, और दूसरे नंबर पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नदी देखें डार्लिंग, मरुस्थल देखें यहाँ पर सेंडी, ग्रेट विक्टोरियन, देश 22 और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा नोरू। तो मित्रों ये अपनी बातें थी महाद्वीपों के बारे में, मैंने महाद्वीपों के बारे में करीब करीब इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उठाए हैं, आपको याद क्या क्या करना है, महाद्वीपों में देश सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, मरुस्थल, पर्वत, नदी, और आपका सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान, ये प्रमुख चीजें हैं, ये आपको इसमें से याद करनी है। और प्रमुख तो अपन ने बातें करी है एशिया की, अफ्रीका की, उत्तरी अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, अंटार्कटिका की, यूरोप की और ऑस्ट्रेलिया की, ये आपका एसएससी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है और रेलवे का एग्जाम्स है, इनके लिए बड़ा ही संजीवनी है साहब, संजीवनी बूटी मानो आप इसको। अच्छा आप सभी से विनती है, अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे काबिल मित्र हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़ने की तैयारी करते हैं, किसी कारणवश नहीं ट्यूशन पर जा सकते,
तो उनके लिए ये क्लासें हैं वरदान साबित होगी। साहब ए से लेके जेड तक बातें कर रहा हूं मैं, कि कोई बातें छोड़ नहीं रहा हूं। तो लगभग आपका जो आर्मी का सिलेबस है लगभग 100 से 120 वीडियो के आसपास, 100 क्लासों के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखें बिल्कुल निश्चित सफलता मिलेगी आपको। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद मित्रों।